रावण का जब भी कहीं जिक्र होता है तो एक राक्षस और एक अहंकारी प्राणी की छवि उभरती है, लेकिन रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर विद्वान बुद्धि का प्राणी आज तक पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। वह राक्षस होने के साथ विद्वान पंडित, तांत्रिक और महान ज्योतिषी भी था। रावण को भली भांति ज्ञान था कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप से ही उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। आपने शिव तांडव स्तोत्र तो सुना ही होगा। शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता की रचना रावण ने ही की है। रावण संहिता में कई ज्योतिषीय राशियों का वर्णन है, जिसमें धनवान बनने के मंत्र बताए गए हैं। इनका सही तरह से पालन करने वालों की किस्मत के ताले खुल जाते हैं। रावण ने रावण संहिता में जल्दी ही धनवान बनने के मंत्रों को बताया है। रावण संहिता में धन से जुड़ी हर समस्या का मंत्र दिया गया है। इसमें रावण ने देवताओं और यक्ष यक्षणियों से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, इन बातों का भी उल्लेख किया है। इन्हीं में धनवान बनने के मंत्रों के बारे में भी रावण ने लिखा है। आज हम आपको इन्हीं मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं। मित्रों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शंकर भगवान की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए हरी श्री क्ली महालक्ष्मी महासरस्वती मंगरीहे आगच्छ आगच्छ हरी नम। रावण संहिता के अनुसार धनवान बनना है तो कुछ खास तिथियों पर, जैसे मकर संक्रांति, होली, अक्षय तृतीया, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और दिवाली जैसे शुभ अवसर पर आधी रात में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है और इससे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। जिस पर लक्ष्मी जी आकर्षित हो गईं, उसकी तो किस्मत का ताला खुल गया। अगर आपके पैसे, सोने की कोई चीज या फिर धन की गया हो तो उसे पाने के लिए भी मंत्र दिया गया है। खोया धन पाने के लिए नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा का जाप करें। घर में धन दौलत में कमी होती जा रही है, पैसों के लिए परेशान हैं, कर्ज लेने की नौबत आ गई है तो इस मंत्र का 10,000 बार जाप करें। इससे लक्ष्मी जी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं और खोया धन पाने के संयोग बनते हैं। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जो करते हो फेल हो जाता है, जिस काम में हाथ डाले नुकसान हो रहा है, तो तरक्की के रास्ते खोलने के लिए लंकापति का यह मंत्र जरूर पढ़े। ह्री श्री क्ली नम धो धो स्वाहा, यह एक चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र तरक्की में आ रही हर बाधा का नाश करने की क्षमता रखता है। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को बरगद के पेड़ के नीचे लगातार 21 दिनों तक जाप करने से ये सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के जाप की संख्या प्रतिदिन 1100 होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांकली श्री श्री मम धन देहि फट स्वाहा, रावण के द्वारा रचित यह मंत्र धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए अचूक माना जाता है। धन बचत नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो सवा महीने तक एक ही स्थान पर, एक ही समय पर हर रोज इस मंत्र का जाप करें। अगर आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, तो यक्षाय कुबेराय वैश्रवाणाय धन धन याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा का 108 बार जाप करें। जाप के दौरान एक कौड़ी अपने पास रखें और 3 महीने तक इस मंत्र का रोजाना जाप करें। जाप पूरे होने पर कौड़ी को तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें।